Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. Hello everyone, welcome to our YouTube education channel Sikshad Academy. If you are new on my channel, please first of all subscribe our channel and press the bell icon. Standard 6 Mathematics Chapter Number 3 Playing with Numbers Exercise 3.5 Question Number 8 The sum of two consecutive odd numbers is divisible by 4. Verify this statement with the help of some example. देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, द सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स. इसमें दिया टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर. मैंने आपको कॉन्सिक्यूटिव का मीनिंग बताया था, दैट मीन्स जस्ट आफ्टर वाले नंबर्स आने चाहिए. जैसे आपने वन नंबर लिए, एक कोई भी नंबर लिया टू, तो देन इसके कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स क्या होंगे, टू थ्री फोर. ओके, आगे अगर थ्री नंबर्स बोले हूँ, सिर्फ टू ही बोले हो, तो दैट मीन्स टू एंड थ्री, देन आप फोर एंड फाइव इस तरह से नंबर ले सकते हो. तो यहाँ पे द सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, अब आपको यहाँ पे ऑड लेना है, तो ऑड मीन्स क्या हो, जो टू से डिविजिबल नहीं हो. तो क्या आएगा, फर्स्ट अगर मैं यहाँ पे लूँ थ्री, लूँ वन, यहाँ पे वन लूँ, तो दूसरा कौन सा आएगा, यहाँ पे थ्री आएगा. देन उसके बाद क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे फाइव लूँ तो दूसरा कौन सा आएगा, यहाँ पे ऑड नंबर सेवन. ओके, कॉन्सिक्यूटिव में. देन यहाँ पे हमें क्या करना है, द सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय फोर. यहाँ पे आपको सम करना है टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर. या मैंने आपको टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स का मीनिंग बताया कैसे होते हैं, उनका सम करना है. एंड जो सम करोगे तो किससे डिविजिबल होना चाहिए, फोर से डिविजिबल आना चाहिए. वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल. आपको इसी स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है एग्जाम्पल कंसिडर करके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे वन लेते हैं, वन एंड थ्री, ये दोनों क्या है, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं. Therefore, 1 plus 3 कितना हो जाएगा, 4, and this 4 is, and 4 is divisible by 4. तो आपने यहाँ पे एक example ले लिया. इसी तरह आप क्या करोगे, 3 to 4 example लेके यहाँ पे बता देना है. तो आप second कोई भी example ले सकते हो. Suppose मैंने यहाँ पे लिया 3, then second यहाँ पे जो consecutive number आएगा वो कौन सा होगा, 5. अब इन दोनों का sum करो, 5 plus 3, 8, and this 8 is डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4, ये 4 से डिविजिबल है. देन नेक्स्ट आप क्या ले सकते हो, 5 प्लस 7 ले सकते हो, या फिर 7 प्लस 9 ले सकते हो. ओके, ये क्या है, टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, ओड नंबर्स, टू कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर्स हैं. देन 7 एंड 5 12 होता है, एंड यू नो दैट, सो दिस 12 इज डिविजिबल बाई 4. इस तरह आप यहाँ पे लिख सकते हो, 12 इज डिविजिबल बाई 4. देन यहाँ पे 7 प्लस 9 आपका क्या होता है, 16, एंड दिस 16 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4. तो इस तरह से आप 3 टू 4 एग्जाम्पल यहाँ पे राइट कर सकते हो. ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है. नाउ लेट वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज योर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन. आपको बताना है कौन से एक्सप्रेशन में प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ है. अब आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो अगर आप किसी इनको मल्टीप्लाई में लिखते हो फैक्टर को, तो सभी का फैक्टराइजेशन हो जाना चाहिए. कोई भी ऐसा नंबर नहीं हो जो जिसको हम डिवाइड कर सके, अगेन यहाँ पे डिवाइड कर सके. सपोज यहाँ पे 2 है, तो 2 को आप किससे कर सकते हो, 1 एंड 2. प्राइम नंबर्स में क्या होना चाहिए, इनका ये मल्टीप्लाई आ जाना चाहिए. तो 2 क्या है, तुम्हारा प्राइम नंबर है. सेम एज इट इज़ क्या है, 3 भी तुम्हारा प्राइम नंबर है, बिकॉज इसका क्या आएगा, 1 एंड 3 ही आएगा फैक्टर. 4 देखो, 4 को आप अगेन 2 एंड 2 में इस तरह से स्प्लिट कर सकते हो, 2 इंटू 2. दैट मीन्स ए प्राइम फैक्टराइजेशन इसका हुआ नहीं है, क्वेश्चन नंबर का 1 का नहीं हुआ. सेम बी में चेक कर लो, देखो 56 है, तो इसको इसका फैक्टर यहाँ पे लिखा गया है 7, 2, 2 एंड 2. चेक करो अब, देखो किसका मोर देन 2 फैक्टर आता है, 7 का 1 एंड 7 आएगा, 1 2 1 2 1 2. देयरफॉर इसका क्या है, कंप्लीट है फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन. यहाँ पे 70 में 2 5 एंड 7, सेम इसमें भी देखो क्या है, कंप्लीट है फैक्टराइजेशन. बिकॉज यहाँ पे जब आप 2 का यहाँ पे फैक्टर फाइंड करोगे, 1 एंड 2 आएगा, तीसरा फैक्टर नहीं आएगा. देन यहाँ पे 1 एंड 5 आएगा, 1 एंड 7 आएगा. नाउ डी में देखते हैं, 54 इज इक्वल 2 इंटू 3 इंटू 9.
अब यहाँ पे देखो टू का तो वन है, ये क्या प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, बट ये आपका प्राइम नंबर नहीं है नाइन जो फैक्टर में लिखा है। इसका आप फैक्टर फाइंड करोगे तो वन आएगा, थ्री आएगा, नाइन, देखो मोर देन टू फैक्टर आ गए, देयरफॉर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, हियर, यहाँ पे आपको यही बताना था जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ है, हियर बी एंड सी, इसका एंड इस ए वाले का, हियर बी एंड सी, सी बी एंड सी प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन कम डन, हैज बीन डन, लिख सकते हो इस तरह से, या फिर आप पूरा एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो यहाँ पे, ओके। एंड यहाँ पे ए एंड डी हैज प्राइम फैक्टराइजेशन हैज नॉट बी डन, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, नाउ लेट बी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया गया, देखो डिटरमाइन इफ 25110 25110 इज डिविजिबल बाय 45। आपको यहाँ पे बताना है कि 25110 डिविजिबल है 45 से। अब आपको देखो यहाँ पे जो है आप चैप्टर नंबर 3 में 45 की डिविजिबिलिटी आपने पढ़ा नहीं है। देन आपको हिंट दिया गया है, यहाँ पे हिंट देख लो क्या दिया गया है, 5 and 9 आर को प्राइम नंबर्स। यहाँ पे जब आप इसको मान लो इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो देखो इसके एक फैक्टर 9 भी आएगा एंड एक क्या आएगा यहाँ पे 5 आएगा, एंड 5 and 9 क्या होता है तुम्हारा को प्राइम नंबर्स है। देयरफॉर आप इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा, अगर पहले 5 से डिविजिबल होगा 9 से डिविजिबल होगा, और फिर जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो उससे भी डिविजिबल होगा ये नंबर। तो हम इससे सबसे पहले क्या करेंगे, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर बाय 5 and 9। अगर 5 और 9 से डिविजिबल होगा 25110, ये अगर 5 से डिविजिबल होगा एंड 9 से डिविजिबल होगा, देयरफॉर इसके मल्टीप्लाई से भी डिविजिबल होगा, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था और यहाँ हिंट में भी दिया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका 5 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। देखो 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या आपको याद होना था, यूनिट प्लेस 0 और 5 होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या है, देखो 0 है, देयरफॉर 25110 इज डिविजिबल बाई 5, ओके। तो 5 से डिविजिबल है, चेक कर लिया। नाउ 9 से चेक करने के लिए सम ऑफ डिजिट करो, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट, देन 9 से वो डिविजिबल होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट क्या आएगा, 2 + 5 + 1 + 1 + 0। देखो 2 + 5 = 7, 7 + 1 = 8, and 1 = 9 + 0 = 9, एंड दिस 9 इज डिविजिबल बाय 9, देयरफॉर दिस 25110 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। अब 5 से भी डिविजिबल आ गया, 9 से भी डिविजिबल आ गया, देयरफॉर यू कैन से दैट दिस, देयरफॉर 25110 इज डिविजिबल बाय प्रोडक्ट ऑफ 5 and 9, दैट इज इक्वल टू 45, ओके। 45 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। नाउ लेट बी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज योर, 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। एक नंबर है 18, ये डिविजिबल है 2 से भी एंड 3 से भी। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 × 3। देखो जब ये 2 से भी डिविजिबल था, 3 से भी डिविजिबल था, अब इसका हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट लिया, 6 आया, एंड 6 से भी ये 18 डिविजिबल है। सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6। सपोज ऐसा है कि सपोज एक तुम्हारे पास नंबर है, मैंने यहाँ पे x कंसिडर कर लिया, ये x क्या है यहाँ पे बताता हूँ, x जो है ये आपका 4 से भी डिविजिबल है एंड 6 से भी डिविजिबल है, ओके। देन कैन यू से दैट द नंबर मस्ट बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 4 × 6। तो क्या इसके मल्टीप्लाई से भी होगा, जैसा ऊपर यहाँ पे 2 and 3 से था तो 2 × 3 से भी हो रहा था। If yes, देखो अगर है तो आपको yes लिखना है, अगर नहीं है, if not, give an example to justify your answer। अगर आपने बोला कि इस
4 into 6 is equal to 24, so number divisible नहीं होगा. देन आपको एग्जाम्पल देके बताना है क्यों नहीं होगा. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो तुम्हारे क्या थे, 2 एंड 3 को प्राइम नंबर्स थे. देन हमने इनका मल्टीप्लाई किया तो जो प्रोडक्ट आया उससे क्या होता है, वो नंबर डिविजिबल होता है, ये प्रॉपर्टी पड़ी थी. अब यहाँ पे 4 एंड 6 क्या है, 4 एंड 6 से कोई नंबर डिविजिबल है, x मैंने ले लिया, 4 से भी डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है. अब इनके मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट से कब डिविजिबल होता था, जब ये दोनों क्या होते थे, तुम्हारे को प्राइम नंबर होते थे. देखो दोनों में सिमिलर आ जाएंगे फैक्टर, देयरफॉर ये दोनों को प्राइम फैक्ट यहाँ पे नंबर नहीं होंगे, को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे. देयरफॉर इनके प्रोडक्ट का जो आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके वो क्या होगा, उससे ये कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं होगा. अब यहाँ पे बोला इफ़ नॉट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो. सबसे पहले आंसर डिविजिबल है, इसने पूछा है कि नहीं, हमने बोला नो, इट दैट इज नॉट डिविजिबल. नाउ अब हमें उसका एग्जाम्पल लेना है, तो एग्जाम्पल लेके आप दे सकते हो. जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लूँ, देखो 36 ले लिया मैंने एग्जाम्पल, हियर 36 इज डिविजिबल बाय 4 एंड 6. 36 है देखो यहाँ पे, ये किससे डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल. अब इन दोनों का प्रोडक्ट करो, 4 इंटू क्या आएगा आपका यहाँ पे 6, 4 इंटू 6 क्या होता है 24, ओके. एंड 24 से 36 डिविजिबल है क्या, नो. बट लिख सकते हो आप यहाँ, बट 36 इज नॉट डिविजिबल बाय 4 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 24, इससे डिविजिबल नहीं है, ओके. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है. नाउ लेट वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया है, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर डिफरेंट प्राइम फैक्टर, कैन यू फाइंड मी. यहाँ पे बोला गया है कि मैं एक डिफरेंट प्राइम, मतलब आई एम स्मॉलेस्ट नंबर हूँ फॉर डिफरेंट प्राइम फैक्टर से बन मिलके. तो आपको फैक्टर्स लिखने हैं फॉर डिफरेंट जो प्राइम नंबर्स होने चाहिए और छोटे. तो अब यहाँ पे देखो 1 को तो हम कंसिडर नहीं करते प्राइम नंबर में यहाँ पे, क्योंकि उसका क्या होता है, ओनली 1 फैक्टर होता है. देन 2 क्या है आपका यहाँ पे प्राइम फैक्टर है, तो हम 2 लिख सकते हैं. 2 के बाद क्या आता है, 3 प्राइम फैक्टर है, यस 3 को ले लिया. देन 4 प्राइम फैक्टर नहीं है, बिकॉज 4 के देखो 1, 2 एंड 4 3 फैक्टर्स आ रहे हैं, जिसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं उसको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं. देन 4 को नहीं कंसिडर कर सकते, आएगा आपका 5. देन 5 ले लिया, 5 के बाद 6 भी नहीं आएगा, आएगा आपका यहाँ पे 7. अब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 210. यही स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है, यही स्मॉलेस्ट नंबर है जिनका 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स होगा, ओके. तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है. इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है. थैंक यू वेरी मच. लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर.